आप ओपन करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद देखते हैं ये डिवाइस मिलती है आपको, यही एक जीएसएम गेटवे जिसका कि आपको इसे मॉडल नंबर लिखा हुआ है और सीरियल नंबर आईएमआई नंबर, जो सिम यहाँ पे लगाई जाती है, एक जीएसएम सिम 4G कोई भी सिम आप लगा सकते हैं, नॉन वोल्टेज सिम होनी चाहिए, जैसे एयरटेल या वोडाफोन के जो नॉन वोल्टेज सिम्स हैं उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ पे एंटीना लगाना होगा, एक ये फोन का जो कनेक्शन होगा ये RJ40 कनेक्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कनेक्शन होता है, एक पावर का होता है, ये यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच बनाई गई है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये मैं रखता हूँ, उसके बाद देखता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। मैं ये ले आता हूँ, तो इसमें देखिए एक अडाप्टर है, ये अडाप्टर है, इसको मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ। देखिए अडाप्टर है, जो अडाप्टर हमें यहाँ से खोलने होंगे, ये अडाप्टर हो गया। इसको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे अडाप्टर वाले पोर्ट में यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और हमें फिर एक ये फोन वाला जो केबल एक मिलेगा, फोन वाला केबल जो बेसिक फोन में लगाएंगे उसके लिए एक केबल यहाँ पे मिलता है, उस केबल को हम लगाएंगे। इसमें देखिए दो पोर्ट बना हुआ है, TEL1 TEL2, किसी में भी लगा सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा एक केबल मिलेगा जो है डिवाइस में कनेक्शन के लिए किया जाता है, इस केबल को हम जो है यहाँ पे सेट करेंगे। देखिए ये USB केबल है और ये केबल PS2 केबल यहाँ पे सेट होगा आपका, यहाँ पे हमने सेट कर लिया। अब इसमें आप एंटीना सेटअप करेंगे, एक एंटीना आता है साथ में, एंटीना क्या होगा कि टावर वगैरह सेटअप करने के लिए होता है, ठीक है। ये बहुत आसान सा सेटअप है, ये सारी चीजें हटा दीजिए। बहुत आसान सेटअप है इसका और आप आसानी से इसको सेटअप कर सकते हैं। एक एंटीना आप लगा दीजिए, देखिए यहाँ पे आपको एंटीना सेटअप करना होगा और सिम दे दीजिए मुझे। ये आपका हो गया, अब मैं इसको ये चार्जर जो है मैं लगाऊंगा डिवाइस को, ऑन करता हूँ इसको। सिम दे दीजिए मुझे, ये देखिए नॉर्मल सिम है, सबसे स्मॉल साइज का आपका लगाना होगा यहाँ पे। ये पहले सब कुछ सेटअप कर लेंगे तभी हम डिवाइस को ऑन करेंगे, उससे पहले डिवाइस को ऑन नहीं करना है, सिम वगैरह सारी चीजें लगा लेनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, पावर कंप्यूटर में लगाने होंगे, ये पावर लगा देंगे, उसके बाद ये स्विच ऑन करेंगे, ऑफ होगा तो ऑन कर देंगे। अब देखिए ये रेडी होता है और ये जो RJ11 केबल है जो आप मार्केट से खरीदेंगे के वो फोन इसमें आपको किसी भी लाइन वाले सेटअप में फोन में लगाना होगा तभी आपका ये रेडी होगी मशीन, ठीक है। इसमें जो है आपका आ जाएगा और डिवाइस रेडी होगा तो एक बार बेल बजेगी, उसके बाद यहाँ पे फुल टावर आ जाएगा आपका कि आपकी सिम जो है कनेक्ट हो गई है। उसके बाद हम अगर देखना चाहते हैं तो इसमें डायल टोन आने लगता है फोन में, जैसे एक नॉर्मल लैंडलाइन फोन में डायल टोन आता है वैसे घंटी सा बजने लगता है। ये बस इतना ही काम करना होता है अनबॉक्सिंग करने में। चलिए मैं अगले सीरीज में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की पूरी प्रोसीजर बताऊंगा। तो ये है, ये चीजें हमें कनेक्ट करके छोड़ देना, फिर बाकी काम सॉफ्टवेयर में होगा। जो भी डिवाइस वगैरह ऑर्डर करना तो हमारी वेबसाइट से जहाँ से आपने डाउनलोड किया था सॉफ्टवेयर वहीं से आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत इजीली। आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे आपको आपके घर तक डिलीवरी भी कराया जाएगा और सारी सपोर्ट्स भी, जो ट्रेनिंग वगैरह है या कोई भी सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का पूरा सपोर्ट्स हमारे द्वारा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है या कुछ भी डिवाइस की, हम जो है 1 साल की वारंटी रखते हैं, जो आपकी सेल डेट होगी उसके बाद की 1 साल की वारंटी होगी। तो धन्यवाद, नमस्कार।